good morning students in the previous video we were studying about articles and we have completed exercise number one now today we are going to start exercise number two so in this exercise what we have to do use articles wherever essential or necessary so we have to use the article where they are suitable so we have studied about three articles that is a एन एंड द एंड यू ऑलरेडी नो अबाउट देयर यूजेस हम ए का यूज़ तब करते हैं वैन द वर्ड इज़ स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड हम एन का यूज़ तब करते हैं वैन अ वर्ड इज़ स्टार्टिंग विथ वॉवल साउंड एंड हम द का यूज़ तब करते हैं जब हम एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हो हम एक पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हो और जिसका काइन सिर्फ़ एक ही वो एक से ज़्यादा नहीं हो सकती एक पूरी क्लास के बारे में बात हो रही हो या जो चीज़ यूनिवर्सल है वो और हो ही नहीं सकती एक से ज़्यादा नहीं हो सकती उसमें हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द तो अभी हम एक्सरसाइज में इसको और अच्छे से समझेंगे दैट वेयर एवर वी हैव टू यूज़ दीज थ्री आर्टिकल्स फर्स्ट वन इज़ आई एम डैश टॉलेस्ट बॉय हेयर तो यहाँ पे टॉलेस्ट क्या है सुपरलेटिव डिग्री है मीन्स कि एक पर्टिकुलर टॉलेस्ट बॉय है जिसकी बात हो रही है तो यहाँ पर हम लिख देंगे आई एम द टॉलेस्ट बॉय हेयर सो हेयर वी आर गोइंग टू राइट द बिकॉज यहाँ पर टॉलेस्ट से हमें समझ में आया कि एक पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है एक पर्टिकुलर बॉय की ही बात हो रही है न्यूटन वॉज डैश ग्रेट साइंटिस्ट तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है न्यूटन की बात हो रही है न्यूटन वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट यहाँ पे आ जाएगा आर्टिकल ए डैश स्काई इज़ ब्लू तो यहाँ पे स्काई एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है स्काई एक यूनिवर्सल थिंग है जो एक ही है और जब हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जिसका काइंड सिर्फ एक ही होता है उसमें हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द तो यहाँ पे हम थर्ड वाले में लिख देंगे टी एच ई द फोर्थ वन इज़ माई ब्रदर्स डैश एस डी ओ तो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर वॉवल साउंड नहीं है यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड है बट जहाँ पर हम ऐसे पर्टिकुलरली कैपिटल लेटर्स में एस डी ओ एम एल ए पी ए ऐसे नेम्स लिखते हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं आर्टिकल एन का तो इन दिस टेंस ऑल्सो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर तीनों वर्ड्स जो हैं कैपिटल हैं दे आर नॉट गिविंग अ वॉबल साउंड बट दे आर इन कैपिटल लेटर्स इट इज़ अ पर्टिकुलर थिंग तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए एन माई ब्रदर इज एन एस टी ओ आई फाउंड डैश बुक यू वर आस्किंग फॉर तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर बुक की ही बात हो रही है आई फाउंड द बुक र आस्किंग फॉर तो यहाँ पे भी आर्टिकल द का यूज़ होगा डू नॉट मेक डैश नोइस तो नॉइज इज़ कॉन्सोनेंट साउंड तो यहाँ हम लिख देंगे आर्टिकल ए डू नॉट मेक अ नोइस देन नेक्स्ट वन इज़ मोस्ट ऑफ डैश स्टूडेंट्स आर गुड सो यहाँ पर भी हमें ऐसे तो मिल क्या रहा है कॉन्सोनेंट साउंड स्टूडेंट का एस हमें कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक पूरी क्लास की बात हो रही है एक पूरे ग्रुप की स्टूडेंट के ग्रुप की बात हो रही है और जब हम पूरी एक क्लास की बात करते हैं उसमें भी हम यूज़ करते हैं आर्टिकल द का तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स आर गुड तो यहाँ पर भी हमारा आर्टिकल द आ जाएगा दैन नेक्स्ट वन इज ही हैज़ नेवर नोन डैश मदर्स लव सो हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ मदरस लव मदर्स लव इज़ ऑल्सो यूनिवर्सल इट कैन नॉट बी मोर देन वन है ना लव कैन नॉट बी मोर देन वन इट इज़ ऑल्सो वन पर्टिकुलर थिंग दैट दे आर टॉकिंग अबाउट अ मदरस लव तो यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे आर्टिकल द का ही बिकॉज हेयर ऑल्सो the mother's love is universal it cannot be more than one and it, it, it is of a one kind so in this sentence also we are going to write he has never known the mother's love he wants to become dash politician he wants to become a politician because p p is giving a कॉन्सोनेंट साउंड तो यहाँ पर हम लिख देंगे ही वॉन्ट्स टू बिकम अ पॉलिटिशियन देन टेंथ वन इज़ देयर इज़ फिश फॉर डैश डिनर टुडे देर इज फिश फॉर द डिनर टुडे हे आर ऑल्सो दे आर टॉकिंग अबाउट अ थिंग विच इज मोस्ट पर्टिकुलरली डिनर सो यहाँ पर भी आ जाएगा देर इज फिश फॉर द डिनर टुडे तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे आर्टिकल द सो दिस एक्सरसाइज वी हैव कंप्लीटेड एंड दिस एक्सरसाइज सिक्स सेंटेंस यू हैव टू राइट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज यू आर गोइंग टू राइट सिक्स सेंटेंसेस इन योर इंग्लिश ग्रामर कॉपी एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू फॉरवर्ड विद एक्सरसाइज नंबर थ्री एंड फोर